हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू आर्क जेनेसिस। आई नो ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है, एग्जाम भी शायद आप दे चुके होंगे या फिर देने वाले होंगे। इफ़ यू स्टिल हैव अ टाइम तो आप इस वीडियो को देख लेना, और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छा जाने वाला है, हैव द कॉन्फिडेंस, आराम से आप कर लोगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने लोगोज देखे थे, इट वॉज लाइक लाइफ स्टाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे। आज के जो लोगोज हैं, इट इज़ अबाउट द ऑटोमोबाइल्स। मतलब क्या है कि जो गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, जैसे ब्रांड नेम्स हैं, लग्जरी कार्स, बाइक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप वन इज अ माजदा, सो अपना नाम सुना होगा उस गाड़ी का, इज इन लोगो हैज स्ट्रेच एम, जो एम को हम एक ऐसा लगता है कि अपना स्ट्रेच किया हुआ है। दैट स्ट्रक्चर लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स, और ऐसा लगता है कि जो ये विंग्स हैं उसके पेयर हैं, लाइक अ पेयर है। द ऑल लाइक स्ट्रक्चर स्पेल अ फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड एंड गोल ओरिएंटेड फीचर्स ऑफ द कंपनी। अगर आप हुंडई की बात करते हैं तो आपको एच गाड़ी बहुत सारी थी हुंडई की, i10, i20, अपना सच गाड़ी के आपने इसका नाम भी इजीली सुना होगा ऑफ कोर्स। सो i20 लोगो हैज एन एच इंस्क्राइब्ड इन इट, रिप्रेजेंटिंग टू पीपल एज कस्टमर शेकिंग हैंड्स विद द एम्प्लॉयर्स। तो ये दिख लग रहा है कि हैंड शेक किए जा रहे हैं। वेयर इज द इलिप्स सिग्निफाइज ग्लोबल प्रेजेंस बाय ग्राफिक डिजाइन, और जो इलेप्टिकल पूरा बनाया गया है, मेरे पास स्टाइलिस नहीं है, मैं थोड़ा आउट ऑफ द स्टेशन हूँ और मैं थोड़ा टाइम निकाल कर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करो। तो जो ये पूरा जो इलिप्टिकल बनाया गया है यहाँ पर, ये दिखाता है ग्लोबल प्रेजेंस को, ठीक है। नेक्स्ट इज मित्सुबिशी का जो लोगो है, इसके अंदर आपको थ्री डायमंड्स देखने को मिलेंगे। हियर यू कैन सी वन डायमंड, सेकंड डायमंड एंड थर्ड डायमंड, रिप्रेजेंटिंग रिलायबिलिटी, सक्सेस एंड इंटीग्रिटी। तो ये दिखाता है रिलायबिलिटी को, दूसरा दिखाता है सक्सेस को, तीसरा दिखाता है इंटीग्रिटी को, ठीक है। इन तीनों का मतलब आपको पता होगा आई गेस। दिस फेमस लोगो सिग्निफाइज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम देखते हैं यामा, यामा के अंदर हम देखते हैं तो यामा लोगो शोज थ्री फॉक्स, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीन फॉक दिखाई देंगी। दे डिपिक्ट एन एफिशिएंट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड एफिशिएंट सेल। तो तीन चीज दिखाती है, तीन जो फॉक हैं, क्या दिखाता है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, कितना ज़्यादा प्रोडक्ट कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और एफिशिएंट सेल, ठीक है। द थ्री स्पेसिफाइड डायमेंशन आर द थ्री USPs ऑफ द यामा। तो USP क्या होती है, इसका आप नाम सुना होगा कि इस कंपनी की USP ये है, तो USP बताओ इसका कमेंट सेक्शन में क्या है। द फोक अरेंज इन अ वे टू रिप्रेजेंट द लेटर Y इन द लोगो सिग्निफाइज द कंपनी इनिशियल। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर Y की तरह दिखाई दे रहा है, तो उसका क्या दिख मतलब है, Y फॉर यामा। फिर आता है बेंटली की, जो लग्जरी कार बनाती है, कार मेक एंड हैज अ बिग बी इन इट्स फेमस ब्रांड लोगोज, दैट इज इनिशियल इनिशियल ऑफ द फाउंडर सरनेम। तो जो बेंटली के नाम से ही जो सरनेम है उन्हीं को दिखाता है, बी फॉर बेंटली। द बी इन द कार कंपनी लोगो शोज टू विंग्स अटैच्ड डिपिक्टिंग द कार्स एफिशिएंसी, और यहाँ पर आप देखेंगे दो विंग्स हैं जो दिखाते हैं एफिशिएंसी को, ठीक है। फिर आता है द निशान लोगो इन द रेड एंड ब्लू, तो ये पुराने लोगों की बात चल रही हैज बीन इनेक्टेड इन सिंस 1932, इट हैज अंडरगोन माइनर चेंजेस टू रिप्रेजेंट अ न्यू आइडेंटिटी एंड एलिजेंस, इट फाइनली एक्यूटेड इन 1988। तो बस आपको लोगो डिजाइन देख लेना कैसा है, लेटेस्ट है। फिर BMW की बात करें, लोगोस कन्वे ट्रिब्यूट टू द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी हेड इन एविएशन इंडस्ट्रीज। तो आपने नाम सुना होगा सर, BMW जो थी पहले गाड़ियों में इतना काम नहीं करती, एविएशन इंडस्ट्रीज में, लाइक हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स में। इट ऑल्सो प्रेजेंट सम सेक्शंस इन ब्लू एंड वाइट फ्रॉम द फ्लैग ऑफ बावेरिया। बावेरिया क्या है एक्चुअली, इट्स अ रीजन इन जर्मनी। अगर आप जर्मनी का साउदर्न पार्ट देखेंगे, इट इज हैविंग द ब्लैक फॉरेस्ट रीजन, और ब्लैक फॉरेस्ट रीजन को ही बोला जाता है बावेरिया। इट इज लाइक मिनरल रिच रीजन। तो दिस इज नॉट द ओनली एक्सेप्टेड स्टोरी, मैंने से इट इज अ फाउंडेशन इन द रोटेटिंग स्क्रू। कुछ लोग बोलते हैं कि स्क्रू दिखाया जाता है, प्लस का साइन है, तो कई सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं। फिर आता लैंड रोवर, सो लोगो इज स्पेक्यूलेटेड टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द टिन ऑफ फिश, मतलब जो उनके डिजाइनर थे, ये बोला जाता है फिश एक पहले टिन, लाइक अगर आप यूरोपियंस में जो फिशेज आती हैं वो टिन के एक डब्बे में आती हैं, तो खा रहे होंगे तो उनको वहाँ से एक आइडिया आया कि मैं ऐसा क्यों डिजाइन करूँ। द ग्रीन कलर में सिम्बलाइज नेचर, और जो ग्रीन कलर दिखाता है नेचर को, एंड द व्हीकल्स एबिलिटी ऑन द ऑफ रोड टेरेन। तो ये दिखाता है कि जो उनकी गाड़ी है वो डिफिकल्ट टेरेन में या ऑफ रोड टेरेन में चल सकती हैं। फिर आता मर्सिडीज बेंज, द कंपनी इंट्रोड्यूस द स्टार इन द 1909, एंड इट इज स्टिल द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ देयर लोगो टू दिस डे। द लोगो सिल्वर कलर इवॉल्व डिपेंडेबिलिटी, जो लोगो का जो सिल्वर कलर है वो दिखाता है डिपेंडेबिलिटी को, सिक्योरिटी को, प्रोफेशनलिज्म को, कन्वेंशनलिटी अलॉन्ग विद द वैल्यू एंड द क्वालिटी। और लैम्बोर्गिनी, लाइक सबकी अपनी ड्रीम कार होती है, सो आई ऑल्सो हैव द ड्रीम कार लैम्बोर्गिनी। सो ऑफ कोर्स वो लाइक ये इंडियन रोड्स के हिसाब से तो परफेक्ट नहीं है,
लेकिन ठीक है, लेम्बोर्गिनी वाज इंट्रोड्यूस इन 1963, इट इज लोगो डिपिक्टेड गोल्डन बुल। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोल्डन बुल दिखाया गया है ऑन ए ब्लैक क्रेस्ट विद ए गोल्डन आउटलाइन एंड एलिजेंट सेंस सेरिफ लेटरिंग अबव द बुल हेड। अच्छा, सेंस सेरिफ का मतलब क्या होता है? देखो, कुछ जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, अगर आप एग्जांपल यहाँ आप नोटिस करेंगे, कुछ टेक्स्ट के अंदर आपको जैसे एम मर्सिडीज का देखो, एम के अंदर आप नीचे जो लिखा हुआ है, इट इज हैविंग द मार्क। लिटिल बिट जूम फॉर यू। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसकी एजिस जो है ना, यहाँ पर एक शार्प कॉर्नर लगा हुआ है, तो उनको हम बोलते हैं सरीफ। ठीक है, और सेंस सरीफ का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी, लोगों के अंदर कोई भी आपको एजिस देखने को ना मिले। हियर यू कैन सी द लैम्बोर्गिनी एल, कोई इसका लास्ट एंडिंग खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे विदाउट स्टाइलस। ठीक है, लेटरिंग अबाउट द बुल हेड। फिर आता है मोटर हार्ले डेविडसन साइकिल्स। द कंपनी इज अ लेजेंडरी ब्रांड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मोटरसाइकिल्स इन द वर्ल्ड। इट्स लोगो हैज अंडरगोन नूमेरियस चेंजेस सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कंपनी 1903। टुडे द ब्रांड यूजेस अ मोनोक्रोम कलर पैलेट विद ब्राइट ऑरेंज इन फ्रेम एंड मोटरसाइकिल्स लेटरिंग प्लेस ओवर द बिलो द वाटरमार्क। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा कुछ है। फिर आता है फेरारी। तो इसमें ये चीज देखी गई है कि एसोसिएटेड विद द वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, इट्स लोगो डिपिक्ट अ रियर हॉर्स। द आइकॉनिक सिंबल वाज ओरिजिनली डिजाइन टू 1920। टुडे द मेन सिंबल इज हॉर्स एंड इट्स हिंड लाइक। तो आप देखेंगे ऐसा कुछ देखने में लगता है। फिर आता है निशान। निशाना काफी कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो कॉमन रखा है, बाद में सब चेंज होते रहे। टोयोटो के अंदर आप देखेंगे तो ओवल जो है टी की तरह काम करता है। फेमस लोगो हैज बीन सेवरल चेंज ओवर टाइम। और या ठीक है, सिल्वर कलर जो दिखाता है रिलायबिलिटी को या फिर डिपेंडेबिलिटी को शो करता है। फिर होता है वॉक्स वेगन। तो यहाँ पर आप देखेंगे वी से बना है, वी वॉक्स वेगन का वी से बना है स्टार्टिंग का ये वाला, और डब्ल्यू से का बना है ये वाला वॉक्स वेगन डब्ल्यू फोर वी। ये पूरा ओवरऑल लोगो बन गया। इसको बोला था पीपल्स कार, मतलब जर्मनी की जो ब्रांड थी, इट वाज हैविंग वेरी कॉस्टली कार्स, तो वहां पर उन्होंने वॉक्स वेगन का एक कार लिखा है। द लोगो शोज द इनिशियल ऑफ द कंपनी नेम ऑन इट। ठीक है, ऑडी इज द रिजल्ट ऑफ द मर्जर ऑफ द फोर फर्म्स ऑडी हॉर्स डी के डब्ल्यू एंड वाइंडरर्स। द फोर सर्कल इन द लोगो इज रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर। तो अलग अलग कंपनी हुआ करती थी, चारों इकट्ठी हुई, उसका नाम ऑडी रख दिया गया। तो यहाँ पर चारों ये दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में। फेमस फिर आता है फॉर्मूला वन। इन द इट्स लोगो डिपिक वन बाई यूजिंग द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द टू सिम्बल्स। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये वन लिखा हुआ फॉर्मूला एफ है और यहाँ पर ये वन है। ठीक है, जैसे क्लोजर का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फॉर्मूला वन। फिर आता होंडो लोगो डिपिक्ट कॉन्फिडेंस एंड ड्यूरेबिलिटी बाई यूज ऑफ द बोल्ड लेटर एच। तो यहाँ पर होंडा का भी एच है। नेम आफ्टर फाउंडर सियोकिरो होंडा, द लोगो स्टिल रिमेन द ओरिजिनल एच इन इट। ठीक है, फिर आता है द कंपनी लोगो डिपिक्ट जैगुआर के बारे में बात कर रहे हैं। लीपिंग, लीपिंग का मतलब होता है उछलता हुआ जैगुआर विद अ स्नेल ऑन इट फेस। इट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड एज अ हुड ऑर्नामेंट बट इज नाउ ऑन अ बैज इन सिल्वर मेटलिक ग्रे एंड द। फूड के बारे में बात करें तो फूड में क्या है, ये आता है मैकडोनल्ड का गोल्डन आर्च बोलते हैं, इज अ ट्रेडिशनल सिंबल यूज इन द रेस्टोरेंट। सो ये एम की तो दिखाई देता है, दैट्स इट। सबवे की बात करें तो सबवे लोगो हैज टू एरो इन ऑन एस एंड वाई। तो मतलब विजुअलाइजिंग एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ से आप एंट्री करते हैं एस से और यहाँ से एग्जिट करते हैं। इट सिग्निफाइज अ मूव एंड हैविंग फूड ऑन द गो। ठीक है, बर्गर किंग के अंदर बर्गर देखने को मिलेगा, तो विच इज अ मेन प्रोडक्ट ऑफ सोल्ड बाय द कंपनी। बर्गर किंग के अंदर कौन कौन से कलर यूज हुए हैं, उस कलर को क्या बोला जाता है। आई थिंक ये नाटक के लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। कोका कोला इज अ फेमस लोगो डिजाइन दैट डिपिक्ट इट्स लेगेसी। इट सर्व्स अ डेनिश फ्लैग बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। दिस वाज अ कोइंसिडेंस बट हेल्प टू एडवर्टाइज डेनमार्क। ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे। पेप्सी लोगो में कई बार चेंजेस आए हैं, सीक्रेट बिहाइंड इट लाइक बंच ऑफ द ग्राफिक डिजाइनिंग द कलर कोड सजेस्ट एन अमेरिकन कलर कॉम्बिनेशन इन द फ्लैग। तो ये दिखाई देता है कि जो कलर है अमेरिका में सेम कलर यूज हुए हैं, बट द प्लेसिंग हैज अ लॉट टू डू विद द डिफरेंट कंसेप्ट। अगर हम बात करें पिज्जा हट, ये एक्चुअली जिसका बताया गया है, ये ओल्ड पिज्जा हट के बारे में जो ब्लैक में लिखा होता था, इट इज द लेटेस्ट वन, देख लेना। डोमिनोज के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लू है और रेड कलर है, ब्लू में दो डॉट है, रेड में एक डॉट है। तो ये डॉट दिखाए जाते हैं कि स्टार्टिंग में जहाँ पर डोमिनोज की ब्रांचेस खोली गई थी, एक्चुअली इन लोगों ने सोचा था कि जैसे जैसे हमारे ब्रांच खोलेंगे तो वी विल एड मोर डॉट्स, लेकिन कितना खोलेंगे फिर, तो बनेगा ही नहीं। आजकल तो पूरी दुनिया में डोमिनोज छाया हुआ है। फिर आता है के एफ सी। के एफ सी वॉज क्रिएटेड बाई दी, ये नाम जरूरी नहीं है आपके लिए, बस फ्रॉम दैट टाइम ऑन द स्टाइल फेस ऑफ द कॉलोनी सैंडर्स। तो ये इनके फाउंडर थे, उनको एड कर दिया गया। द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट, जो नाम है के एफ सी का, वो बोलते हैं
केंटुकी फ्राइड चिकन, ठीक है। रेडबुल, आप देखेंगे दो बुल हैं आपस में फाइट कर रहे हैं, एक्चुअली थाईलैंडी कंपनी है ये, और ये 2 साल पहले काफ़ी न्यूज़ में थी। रेडबुल वॉज एक्चुअली प्राइड ऑफ थाईलैंड, लेकिन 2 साल से आप देखेंगे लोग थाईलैंड के ही लोग उसको चाहते हैं कंपनी ख़त्म हो जाए। आई होप अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, ग्लोबल इशूज़ देखते हैं, तो आपको शायद पता होगा इसके बारे में, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने उनके जो बुल, जो रेड बुल के जो फाउंडर्स थे, उनके जो ग्रैंड ग्रैंडसन ने कुछ एक्सीडेंट कर दिया था, फिर पैसे दे दिए गए उन पूरी फैमिली को, फिर अल्टीमेटली केस उठता है। तो कहने के दिखाता है कि थाईलैंड की जो लेगेसी है, थाईलैंड के जो लोगों का जो कल्चर है, उसके अगेंस्ट ये काम हुआ है। तो इंटरेस्टिंग केस था, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है डिस्कस करने का। फेमस लोगोज इन इंडिया, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत थका हुआ हूँ और एक्चुअली मुझे बोला भी नहीं जा रहा है। एंड दिस इज टाइम, आई थिंक 1:08 हो चुके हैं रात के, तो बस मैं इसको जल्दी वीडियो को सेव करके अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को मैंने यहाँ पर डाल दिया है, फेमस लोगों उसको पढ़ लेना, आधार उधार को, इन सब चीज़ों को। और बस यार कल का पेपर देखा हो, मतलब आज का पेपर देखा हो, एंड फ्रॉम माई साइड वेरी बेस्ट ऑफ लक, और देखते हैं पेपर कैसा रहता है, कुछ नया होगा तो फिर से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।